विवाद को लेकर एक भाई ने दूसरे भाई के घर में आग लगा दी, जिसमें लाखों का नुकसान हुआ। शहर के लालाराम मार्ग में पारिवारिक विवाद में एक भाई ने दूसरे भाई के घर में आग लगा दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आनन फानन में पड़ोसियों की सहायता से आग पर पानी डालकर काबू पाया। आगजनी में एक पक्ष की गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया। लालाराम मार्ग निवासी असलम कुरैशी सभासद और यूनुस के बीच काफी समय से आपसी विवाद चल रहा था। असलम कुरैशी का आरोप है कि उसके भाई यूनुस मुईम उमरदास फारूक ने उसके पीछे से मौका पाकर घर में शनिवार को आग लगा दी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। घटना से मोहल्ले में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे कस्बा चौकी इंचार्ज मनिंदर सिंह ने आनन फानन में पड़ोसियों की सहायता से बमुश्किल आग पर पानी डालकर काबू पाया। आग में जलते जेवरात, रुपए व गृहस्थी के कुछ सामान को सुरक्षित बाहर निकाल कर पीड़ित को सौंपा। असलम कुरैशी सभासद ने बताया कि आग में करीब लाखों रुपए की गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया है। असलम ने अपने चारों भाइयों के खिलाफ मारपीट व घर में आग लगाने की तहरीर थाने में दी है। कस्बा चौकी प्रभारी मनिंदर सिंह ने बताया कि मामले में जाँच की जा रही है, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। लोकेश गर्ग, मथुरा, समाचार 24। सर मैं तो थाने, मैं तो एक दाग में एक बतारी में गया हुआ था। मेरे बच्चों का फोन आया, मेरे चार भाइयों ने आते ही हम घर पे हमला किया है। मेरे बच्चों के साथ मारपीट की सर, 35,000 रुपये लूट करी, 10 तोले 15 तोले सोना था, उस सोने को सर लूट के ले गए ये लोग, और पीछे से घर में आग लगा के बच्चों को। एक का नाम मुईन पुत्र सलीम, यूनुस पुत्र सलीम, उमरदराज पुत्र सलीम और फारूक पुत्र सलीम। मैं सर मैं रस्ते में आया था, क्या मामला क्या था? सर कोई मामला ही नहीं था सर, इनको ये मालूम था कि मेरा सोना रखा हुआ है घर में, इनको ये मालूम था कि इनके पेमेंट रखा हुआ है, वो शराब पी के जरा कहाँ से आए पता नहीं सर, गुंडे हैं 24 घंटे के सर, वो आए आते हैं माल को निकाल लिया सारे को और घर में आग लगा दी, बच्चों के साथ मारपीट करी है सर। ये मेरी दोनों बेटियां, ये मेरी बीवी है।